सर्दी का कहर पूरे जोरों पर था, जिस वजह से शाम 5 बजे से पहले ही बाजार की लगभग सभी दुकानें बंद हो जाया करते हैं। शहर के बड़े से बंगले में रहने वाली कावेरी, जिसके 5 बेटे हैं, उसे केक खाने का बड़ा शौक था। कावेरी को रोज रात सोने से पहले केक खाने का आदत था। एक रात कावेरी अपनी नौकरानी शीला से कहती है, शीला ला जरा केक दे दे, मैं खाकर सो जाती हूँ, आज तो बहुत ज्यादा ठंड पड़ी है। मालकिन मुझे माफ कर दीजिए, केक तो कल रात ही खत्म हो गया था, लेकिन मैं बोलना भूल गई थी। क्या कहा तूने, घर में केक नहीं है? अरे मंदबुद्धि औरत, ये बात तू अब बता रही है? मेरे केक खाने के समय हो गया है, तब तुझे पता है ना, केक खाए बिना मुझे नींद नहीं आती है और मेरे सर में भी बहुत दर्द हो जाता है। तभी कविता की तेज आवाज सुनकर 5 बेटे अपने अपने कमरे से निकलकर बाहर आ जाते हैं। क्या हुआ माँ, तुम इतने गुस्से में क्यों हो? हाँ माँ, आज पहली बार मैंने तुम्हें इतने गुस्से में देखा है। क्या हुआ, शीला से कोई गलती हो गई क्या? शीला केक खत्म हो जाने की बात कावेरी के 5 बेटों से कहता है। तभी कावेरी कहती है, खैर जो हो गया सो हो गया, तुम सब जाओ और मेरे लिए अभी बाजार से नया केक लेकर आओ। अरे माँ, तुम कैसी बातें कर रही हो, भला रात को 10 बजे कौन सी दुकान खुली होगी? बिल्कुल सही कहा भैया आपने, बाहर का मौसम तो देखिए कितना खराब है, मुझे लगता है थोड़ी देर में बारिश हो जाएगी, भला ऐसे में कहाँ दुकान खुला मिलेगा। और मालकिन कल तो पूरा भारत बंद है, मोदी जी ने अपने भाषण में बताया था, इसीलिए केक तो कल भी नहीं मिलेगा। अरे हाँ, कल तो पूरा भारत बंद रहेगा, अब तो केक 2 दिन बाद ही मिलेगा। लेकिन मैं 2 दिन तक बिना केक खाए कैसे रहूंगी, मैं तो पागल हो जाऊंगी। कुछ देर बाद कावेरी के 5 बेटे वापस अपने अपने कमरे में चले जाते हैं, लेकिन कावेरी को रात भर नींद नहीं आती है, पूरी रात उसके सर में दर्द होता है। दूसरी सुबह शीला कावेरी को ऐसी हालात में देखकर बोलती है, मालकिन आपको मैं मुफ्त में एक सलाह देती हूँ, जिससे आपकी ये परेशानी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। वो कैसा? आप अपने 5 बेटों की शादी ऐसी लड़कियों से कर दो जो केक बनाना अच्छे से जानती हो। तेरी बात तो सही है शीला, लेकिन मुझे ऐसी 5 अनोखी लड़कियां मिलेगी कहाँ? बुरा ना मानो मालकिन, तो मेरे पड़ोस में एक गरीब मोहनदास रहता है, वो केक के दुकान में काम करता है, उसकी 5 बेटियां हैं और 5 बेटियों को केक बनाना बहुत अच्छे से आता है, आप चाहो तो उन्हें अपने बेटों से शादी करवा दो। जब इतनी अच्छे रिश्ता मिल ही गया है तो भला मैं शादी में देर क्यों करूं? इसी महीने अपने 5 बेटे की शादी उन 5 लड़कियों से कर दूंगी। कावेरी नवंबर के उसी खरखराती ठंडी में अपने 5 बेटों की शादी कर देती है। 5 बेटे अपने इस शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं थे, फिर भी अपनी माँ के दिल रखने के लिए 5ों ने चुपचाप उस गरीब लड़कियों से शादी कर ली। शादी के दूसरे दिन ही कावेरी अपनी 5ों बहुओं को बुलाकर बोलती है, आज तुम 5ों को खाना बनाना है, तो तुम 5ों रसोई में जाओ और कुछ ऐसा बनाओ जिसे खाकर तुम सबके रूठे हुए पतिदेव खुश हो जाए और तुम 5ों को दिल से अपना ले। कावेरी की बात सुनकर 5ों नई दुल्हन रसोई घर में जाकर खाना बनाने लगती है। कुछ देर बाद नाश्ते की टेबल पर सिर्फ
पांच केक देखकर कावेरी और उसके पांचों बेटे हैरान हो जाते हैं। ये क्या किया माँ? अब क्या ब्रेकफास्ट में सिर्फ केक से ही पेट भरना होगा? ये तो सिर्फ शुरुआत है भैया, मुझे तो लगता है अब हमें पूरी जिंदगी केक ही खाना पड़ेगा। ये क्या किया तुम पांचों ने? मैंने तुम सबको कहा था कि अपने पतियों के लिए कुछ खास खाना बनाओ, पर तुमने तो केक बनाकर मुझे खुश कर दिया। जीती रहो मेरी प्यारी बहुओं, अब जल्दी से अपने पतियों के लिए भी कुछ अच्छा खाना बना कर लाओ, नहीं तो वो अपने गुस्से को पी कर ही ऑफिस चली जाएंगे। माँ जी, हमने पहले ही पूरे ब्रेकफास्ट तैयार कर लिया है, हम तो बस अपने गुस्से से फूले हुए पतियों को थोड़ा और गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहे थे। हाँ माँ जी, हम पांचों बहुनी मिलकर अभी नाश्ता लेकर आते हैं। आप तब तक हमारी बनाई हुई सभी केक को टेस्ट कीजिए और बताइए कैसा बना है। हाँ माँ जी, हमने पांचों अलग अलग फ्लेवर की केक बनाए हैं। ऐसे ही हंसी खुशी कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन कावेरी अपने पांचों बेटे के पास जाकर कहती है, क्या बात है बेटा, आज कल तुम सब कुछ परेशान से नजर आती हो, कोई बड़ी परेशानी वाली बात है क्या? हाँ माँ, बात परेशानी वाली ही है। हमारी कंपनी लॉस में जा रही है, कोई भी बड़ी कंपनी हमारे साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करना चाहती है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम जल्दी ही रोड पर आ जाएंगे। 2 दिन बाद क्रिसमस फेस्टिवल है भैया, और वो भी आने वाला है जल्दी। लेकिन क्रिसमस सेलिब्रेशन करने के लिए हमारे पास तो पैसा ही नहीं होगा। कावेरी के पांचों अनोखी बहुएं छुप के अपनी सास और पतियों की सारी बातें सुन लेते हैं। पांचों सामने आकर अपने पति और सास से कहती है, माँ जी, हमें आपकी सारी बातें सुन ली है और हम पांचों बहनों ने मिलकर इस प्रॉब्लम का अच्छा सा सॉल्यूशन खोज लिया है। क्या खोज लिया है मेरी अनोखी बहुओं, जरा बताओ तो मुझे भी। माँ जी, हमने सोचा है कि हम पांचों बहनें मिलकर एक दुकान खोलेंगे केक की। हम पांचों बहनों को सबसे अनोखे और स्वादिष्ट केक बनाना आता है। तुम्हारी बात तो एकदम सही है, तुम पांचों के बनाए हुए केक सही में बहुत स्वादिष्ट होते हैं, और ऐसा केक पूरे बाजार में कहीं नहीं मिलता है। मेरी अनोखी बहुओं, तुम सब ने जो सोचा है वो शुरू करो, मैं तुम सबके साथ हूँ। और हाँ, अपनी ये केक की दुकान का शुभारंभ कल होने वाले क्रिसमस फेस्टिवल के शुभ दिन पर ही हम करेंगे। कावेरी अपनी पांचों अनोखी बहुओं की इस बात सुनकर बहुत खुश होती है। लेकिन कावेरी के पांचों बेटे केक की दुकान खोलने की बात से बिल्कुल भी खुश नहीं होते हैं। गुस्सा होकर कावेरी का बड़ा बेटा बोलता है, तू सबका दिमाग ठिकाने पर तो है ना? हम इतने बड़े बिजनेसमैन लोग हैं और अब हम केक की दुकान खोलेंगे, लोग कितना मजाक बनाएगा हमारा, कभी सोचा है इस बात को? इसलिए हम पांचों भाई इन जाहिल गवार बहनों से शादी ही नहीं करना चाहते थे। कावेरी के पांचों बेटे गुस्सा होकर वहां से चले जाते हैं। लेकिन कावेरी अपनी बहुओं का हौसला बढ़ाती है और केक की दुकान खोलने में उनकी पूरी मदद करती है। पूरी रात कावेरी की पांचों बहुएं अलग अलग फ्लेवर की बहुत सारी केक बनाते हैं। सुबह होते ही कावेरी अपनी पांचों बहुओं के साथ मिलकर दुकान में उन सभी केक को बेचने निकल पड़ता है। क्रिसमस के दिन होने की वजह से खूब सारे लोग केक खरीदने आते हैं और बाजार में नई दुकान देखकर बहुत सारे लोग उनके बनाए स्वादिष्ट केक को खरीदने के लिए आते हैं। देखते ही देखते पांचों बहुओं के बनाए हुए सारे केक बिक जाते हैं। केक की दुकान में भीड़ देखकर कावेरी के पांचों बेटे भी समझ जाते हैं कि उनकी पांचों पत्नियां सही थी। रात को खाने की टेबल पर कावेरी अपनी पांचों बहुओं से कहती है,
शाबाश मेरी अनोखी बहुओं, तुम सबने तो आज कमाल कर दिया। हमने एक दिन में ही 12,000 कमा लिए हैं। सच में मुझे तो भगवान ने 5 बहू के रूप में सांता क्लॉज दे दिया है, जो मेरे सभी सपनों को पूरा करने में लगी हुई है। काश ये बात मेरे इन 5 बेटों को भी समझ में आ जाए। हमें माफ कर दो माँ, हमें भी समझ में आ गया है कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है। आज से हम 5 भाई भी अपने पत्नियों के साथ देंगे और मार्केटिंग करने में उनकी पूरी मदद करेंगे। कावेरी अपने बेटों के मुंह से ऐसी बात सुनकर काफी खुश हो जाती है। देर से ही सही, लेकिन उसके बेटे समझ गए थे कि उनकी 5 बहुएं सच में ही अनोखी है। अब कावेरी के 5 बेटे अपने बिजनेस के साथ साथ केक बनाने में और मार्केटिंग करने में अपनी पत्नियों का पूरा साथ देती है। कावेरी अपने पूरे परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगती है और अब उसे केक खाने के लिए कभी भी सोचना नहीं पड़ता है और ना ही किसी दुकान में जाना पड़ता है। उसकी 5 बहू हमेशा उसके लिए बहुत ही स्वादिष्ट केक बनाकर घर में ही रखते हैं। मुंबई की भागती दौड़ती रोड पर एक कार धीमी गति से गाड़ियों के बीच में चल रही होती है। कार ड्राइवर चला रहा होता है और पीछे वाली सीट पर रश्मिका हेडफोन पर गाना सुन रही होती है। तभी ड्राइवर अचानक से ब्रेक लगा देता है। रश्मिका अचानक जर्क से थोड़ा अनबैलेंस्ड हो जाता है और सामने वाली सीट पर आके टकरा जाता है। वो ड्राइवर से कहता है, क्या हुआ ड्राइवर, गाड़ी ऐसे अचानक क्यों रोक दिया? ड्राइवर थोड़ा घबरा कर बोलता है, मैडम वो कोई गाड़ी के आगे आ गया है, लगता है उसे चोट लगा है। What? इतना कहते ही रश्मिका कार के अंदर से तुरंत बाहर आ जाता है। रश्मिका कार के नीचे एक आदमी को बेहोशी के हालात में पाता है। उस आदमी को देखकर वो थोड़ा हैरान हो जाती है। वो जल्दी से उसे उठाकर कार में बिठा लेता है और सीधा घर में जाने के लिए ड्राइवर को बोलता है। कार चलने लगती है। पीछे वाली सीट पर वो बेहोश आदमी रश्मिका के गोद में सर रखे सोया हुआ होता है और रश्मिका उसे मायूस नजरों से घूरता है, जैसे वो कोई अपनी यादों में खो जाता है। रश्मिका को याद आता है वो दिन जब उसके मम्मी पापा की एक एक्सीडेंट में मौत हो चुकी होती है। उसके भैया भाभी जो शादी करके बाहर अलग रहते थे, वो भी अचानक अपने घर में रहने आ गए थे। रश्मिका का बहुत ख्याल रख रहे थे। रश्मिका को उसका भाई उसका भाभी काफी खुश रखने लगे थे। एक दिन रश्मिका अपने रूम में सो रही होती है और अचानक उसे अपने ऊपर एक सांप दिखता है। वो सांप सांप चिल्लाती हुई बाहर आता है, लेकिन जब सब कोई घर में जाता है वहां कोई भी सांप नहीं दिखाई देता है। रश्मिका बार बार बोलती है, सांप यही था, वो मेरे ऊपर बैठा हुआ था। उसकी भाभी उसे शांत करते हुए बोलते हैं, कुछ नहीं है रश्मिका, देखो तुम खुद देखो, यहाँ पर कोई सांप नहीं है, शायद तुमने कोई बुरा सपना देखा होगा। कोई भी रश्मिका की बात बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता है। दूसरे दिन रश्मिका को फिर से वो सांप अपने कमरे में दिखाई देता है, लेकिन इस बार भी सब उसके ऊपर अविश्वास करते हैं। रश्मिका की बातों पर कोई भी भरोसा नहीं करता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन रश्मिका अपने घर में अकेली होती है, तभी वहाँ एक लड़का आ जाता है। वो रश्मिका को परेशान करने लगता है, कभी रश्मिका के दुपट्टे को खींचने लगता है तो कभी रश्मिका को इधर उधर हाथ लगाने लगता है। रश्मिका अपने भाई और भाभी को आवाज लगाता है, लेकिन कोई भी उसकी मदद के लिए नहीं आता है। रश्मिका गुस्से से पूछती है, कौन हो तुम और मेरे कमरे में कैसे घुस गए? अगर तुम अभी यहाँ से बाहर नहीं निकले तो मैं पुलिस को बुलाऊंगी या फिर इस खिड़की से कूदकर अपना जान दे दूंगी। ये सुनकर वो अजनबी लड़का
वहां से चला जाता है। कुछ देर बाद रश्मिका के भाई भाभी अपने कुछ रिश्तेदारों से बात करती हुई सुनाई देती है। वो उनके पास भागकर आती है और सबको सब कुछ बोलता है। सभी लोग हैरानी से रश्मिका की तरफ देख रहे होते हैं। तभी उसकी भाभी बोलती है, रश्मि हम लोग तो यहाँ पूरी दिन हैं, तो अगर ऐसा कुछ हुआ होता तो हमें जरूर पता चलता, लेकिन हमने तो ऐसा कुछ भी नहीं सुनाई दिया और देखा भी नहीं। कोई अजनबी लड़का अंदर आता हुआ हमें दिखाई नहीं दिया, बल्कि मैं तो दो बार आई थी तुम्हें देखने के लिए, तुम अच्छे से आराम से सो रही थी। रश्मिका ये सुनकर बहुत हैरान हो जाती है। तभी रश्मिका का भाई उसे बोलता है, रश्मिका मेरी बहन, तूने जरूर कोई सपना देखा होगा, आजकल तू परेशान भी तो कितना होने लगी है। तू बोल तो मैं कुछ ऐसा कर दूंगा, तेरे लिए डॉक्टर लाऊं क्या? रश्मिका ना में सर हिलाती हुए वहां से ऊपर अपने रूम में चली जाती है। रश्मिका अपने मम्मी पापा की फोटो से बात करती है, पापा मम्मी क्या सच में मैं सपना देख रही थी या मैं पागल हो रही हूँ? ये मेरे साथ क्या हो रहा है पापा? तभी उसके मोबाइल पर उसके दोस्त का कॉल आता है। रश्मिका फोन पर अपनी दोस्त को सारी बातें बताता है। उसका दोस्त उसे प्यार से समझाता है कि देख रश्मि, मुझे लगता है ये सब तेरे ज्यादा स्ट्रेस लेने के वजह से हो रहा है। शायद तू अपने मम्मी पापा के साथ हुए हादसे को अभी तक भुला नहीं पाई है। मेरी बात मान और तू अपना पूरा ध्यान तू अपने पढ़ाई में लगा दे। कुछ दिन में तेरे इंटर्नशिप भी पूरा हो जाएगा, फिर तुझे आसानी से कोई अच्छी जॉब भी मिल जाएगी। तेरे मन में ये सब बातों से हटकर दूसरी जगह जा रही है। रश्मिका को अपनी दोस्त की बात ठीक लगने लगती है। दूसरे दिन से ही रश्मिका अपना पूरा ध्यान अपनी पढ़ाई पर देती है। उसके इस बात से उसकी भैया भाभी बहुत ही खुश होते हैं। लेकिन पिछले कुछ दिनों से रश्मिका नोटिस कर रही होती है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। एक दिन रश्मिका कॉलेज से घर आ रही होती है, तभी रास्ते में उसकी स्कूटी खराब हो जाती है। रश्मिका इधर उधर देखती है, लेकिन आसपास कोई भी इंसान नहीं दिखाई देता है। तभी रश्मिका देखती है कि सामने एक बाइक खड़ा है और उस बाइक के पास वही लड़का खड़ा है जो उस दिन रश्मिका के घर में आया था जबरदस्ती। वो लड़का धीरे धीरे अपने चेहरे से रुमाल हटा रहा था। रश्मिका को अब ये एहसास हो गया था कि ये वही लड़का है जो उस दिन उसके घर में जोर जबरदस्ती से घुस गया था। रश्मिका तेज तेज चलने लगी थी और वो लड़का भी रश्मिका की तरफ जोर जोर से आने लगा था। रश्मिका बहुत ही डर गई थी, घबरा गई थी। रश्मिका ऐसे ही चिल्लाती हुई अपने घर पहुंच जाता है और किचन में जाकर चाकू लेकर बाहर आ जाता है, लेकिन उसे कोई भी वहां नहीं दिखाई देता है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, आज मैं तुझे मार डालूंगी, तेरा खून कर दूंगी। तब तक वहां पर आसपास के लोग भी आकर जमा हो गए थे, रश्मिका को देखने लगे थे। अंदर से उसका भाई भाभी भी उसकी आवाज सुनकर बाहर आ जाते हैं, लेकिन वो लड़का तब तक वहां से जा चुका था। रश्मिका का भाभी रश्मिका को शांत करता है और धीरे धीरे उसका हाथ पकड़कर उसे अंदर लेकर आते हैं। कुछ देर बाद जब रश्मिका की आंखें खुलती है तो वो उठकर बाहर जाने लगती है, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद हुआ होता है। रश्मिका दरवाजा पीटती है और जोर जोर से आवाज लगाता है, लेकिन कोई भी नहीं आता है दरवाजा खोलने के लिए। वो देखती है कि उसके भाई भाभी फैमिली वाले एक लॉयर के साथ कुछ बात कर रहे होते हैं। उसे सुनाई देता है कि सब लोग उसे पागल खाने भेजना चाहते हैं। रश्मिका ये सुनकर गुस्से से बौखला जाता है और चिल्लाते हुए बोलता है, आप सब लोग पागल हो गए हो क्या? मैं कहीं नहीं जाऊंगी, ये मेरा मम्मी पापा का घर है, इसे छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊंगी, और मैं पागल नहीं हूँ, प्लीज मेरा विश्वास करो, मैं पागल नहीं हूँ। कोई भी रश्मिका की बात पर ध्यान नहीं देता है। तभी वहाँ रश्मिका को ले जाने के लिए
पागल खाने से चार लोग आ जाते हैं और जबरदस्ती रश्मिका को उठाकर पागल खाने भेज देते हैं। जाते जाते रश्मिका देखती है उसकी भाभी उसी लड़के के कंधे पर हाथ रखे हुए खड़ी है जो लड़का उसे परेशान कर रहा था। वो अपने भाई की तरफ देखता है जो थोड़ा सा मुस्कुरा रहा था। उसे अपने भाई और भाभी की चाल के बारे में समझ आ चुका था। कार के जॉर्ज से रश्मिका प्रेजेंट दिनों में वापस आ गई थी। वो कार एक आलीशान बंगले की बाहर आकर रुक गई थी। उस आदमी को ले जाकर रश्मिका ने अपने कमरे में सुला दिया था। तभी वहां और भी नौकर चाकर आ गए थे। फिर एक डॉक्टर को भी बुलाया गया था। डॉक्टर आकर उस आदमी का चेकअप करके उसको इंजेक्शन दिया और कुछ दवाई रश्मिका को लाने के लिए बोलता है। कुछ देर बाद उस आदमी को होश आ जाता है। वो अचानक आंखें खोलकर देखती है कि रश्मिका उसके सामने बैठी हुई है। वो हैरानी से उसकी तरफ देखते हैं। रश्मिका उसके पास जाकर उसे बोलता है, भैया आपका ये हालत कैसे हुआ और भाभी कहाँ है? पूरे 6 साल बाद आपको देख रही हूँ। लगता ही नहीं कि ये आप है। ये कैसी हालात बना लिया आपने? उसका भाई बेड से उठकर रश्मिका से माफी मांगते हुए बोलता है, सब कुछ बर्बाद हो गया रश्मि, सब खत्म हो गया और ये सब मेरे ही बुरे कर्मों की सजा है। मुझे मालूम है ये सब मेरे ही पापों की सजा है। मैंने प्रॉपर्टी की लालच में उस कमीनी औरत की बातों में आकर उसका और उसका भाई का साथ दिया और अपने ही बहन को, अपने ही फूल सी नाजुक सी बहन को पागल खाने में डाल दिया था। रश्मिका एक गहरी सांस लेता है और कहता है, जुर्म तो आप लोगों ने किया है जिसे मैं चाहकर भी भूल नहीं सकती, पर फिर भी मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। शायद ये मेरी किस्मत में लिखा था। आप ये बताइए, भाभी कहाँ है, कैसी है और आपके ये हालात कैसे हुए? जो लड़का तुझे परेशान किया करता था, दरअसल वो तेरे भाभी का सौतेला भाई था। उसे तेरी भाभी ने ही बुलाया था तुझे पागल साबित करने के लिए। और जब सारी प्रॉपर्टी बेचकर हम तीनों विदेश जा रहे थे, तब वो लड़का मुझे और अपने बहन को कॉफी में नशे की दवाई मिलाकर पिला दिया और खुद सारा पैसा लेकर, हमारा पासपोर्ट वीजा सब कुछ लेकर विदेश भाग गया। तेरी भाभी अपने मायके में रहती है और मैं काम के तलाश में एक शहर से दूसरे शहर भटकता रहता हूँ। रश्मिका मुझे माफ कर सकती है, लेकिन ऊपर वाला और मम्मी पापा की बद्दुआ मुझे कभी माफ नहीं करेंगी। मैं काम ही ऐसा किया है जिसको कोई माफ नहीं कर सकता। मम्मी पापा ने तुझे कितना प्यार से पाला था और उनके जाते ही मैंने क्या किया, आज मुझे अपने सोच पर शर्म आता है। लेकिन मैं जानता हूं कि मैं चाहकर भी कुछ भी बदल नहीं सकता। वैसे मैं ये पूछने का हक तो खो दिया, फिर भी मैं पूछना चाहता हूं कि कैसे हुआ ये सब और ये घर किसका है? मैंने क्या तेरी गाड़ी से टकराया था? हाँ, आप मेरी ही कार से टकराए थे और ये घर भी मेरा ही है। पागल खाने में रहते हुए धीरे धीरे सभी डॉक्टर को ये मालूम चल गया था कि मैं पागल नहीं हूँ। फिर एक दिन हॉस्पिटल के जो ओनर हैं, उनका बैंक अकाउंट किसी ने हैक कर लिया था। जब ये बात मुझे मालूम चला तो मैं अपने गार्ड से कहा कि मैं ये ठीक कर सकती हूँ। ये बात सुनकर वो ओनर मुझे अपने ऑफिस में बुलाए। मैंने उनका अकाउंट पूरी तरह से ठीक कर दिया। उनका पैसा भी उन्हें वापस मिल गया। उस दिन उन्हें विश्वास हो गया कि मैं एकदम नॉर्मल लड़की हूँ। फिर उन्होंने ही मुझे पागल खाने से सारी जिंदगी के लिए आज़ाद कर दिया। एक अच्छी कंपनी में अच्छा सा जॉब दिया। बस यही है मेरी कहानी। रश्मिका का भाई एक बार फिर से अपने दोनों हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं। रश्मिका कहती है, अब दवाइयाँ खा लीजिए और आराम कर लीजिए, आपको काफी आराम की जरूरत है।
मॉर्निंग में रश्मिका का भाई नींद से जागता है तो उसके सामने एक नौकर खड़ा होता है। वो एक चेक उसके भाई के हाथ में देकर बोलता है, मैडम ने ही आपके लिए दिया है और आपको अगर और भी कुछ चाहिए तो मैडम वो भी दे सकते हैं। और हाँ, मैडम एक महीने के लिए विदेश गई है। रश्मिका का भाई ये सुनकर हैरान हो जाता है। वो कांपते हुए हाथों से वो चेक लेता है जिसके साथ एक चिट्ठी भी होती है। चिट्ठी खोलकर वो देखता है जिसमें रश्मिका ने लिखा था, भैया मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है, आपने भाभी ने मेरे साथ जो किया है उसके कारण भाई बहन के रिश्ते से मेरा भरोसा ही उठ गया है, जिसे वापस आने में थोड़ा समय लगेगा। मैंने आपके लिए कुछ पैसा लिख दिया है, और भी जरूरत पड़ेगी तो मैं जरूर दूंगी। नीचे एक कार है जिसमें एक छोटी सी घर का कागजात है जो मैंने आपके नाम कर दिया है, और उस लड़के के बारे में भी मैंने पुलिस कंप्लेन कर दी है। वो जरूर पकड़ा जाएगा और उसे जुर्म की सजा जरूर मिलेगी। और भैया, मम्मी पापा की आत्मा कभी आपके लिए बद्दुआ नहीं करेंगी, क्योंकि माँ बाप कभी भी अपने बच्चों के बारे में बुरा नहीं सोच सकती है। अच्छा, चलती हूँ। अगर सब कुछ भुला पाई तो वापस आऊंगी, और नहीं तो विदेश में ही बस जाऊंगी।